कैच जो है किसी से भी छूट सकता है, बड़े बड़े स्टार खिलाड़ी उनसे भी कैच छूट जाता है। मैच भी हो पाकिस्तान इंडिया का तो और ज्यादा प्रेशर उसमें बिल्ड होता है। ऐसा होना नहीं चाहिए क्रिकेट के अंदर, क्योंकि कैच जो है किसी से भी छूट सकता है, बड़े बड़े स्टार खिलाड़ी उनसे भी कैच छूट जाता है, तो उसे ये तनकीद नहीं होनी चाहिए थी, ये इसकी हम मजम्मत करते हैं। देखें जी, बिल्कुल गलत बात है। ये क्रिकेट जो है एक खेल है और इसके खेल की सूरत में ही लेना चाहिए, और अगर कैच छूट गया तो ये तो हर किसी से भी छूट सकता है। पाकिस्तान के जो फ़खर जमान ने भी कैच छोड़ा था तो ये कोई बड़ी बात नहीं। आप अगर देख ले तो पिछली बार जो ये वर्ल्ड कप था उसमें हसन अली से भी कैच छूटे थे, इस तरह फ़खर जमान से भी इसी मैच में लास्ट में दो कैचेस छूटे और एक तो चौका भी हो गया। इसी तरह क्रिकेट में तो ये सब कुछ चलता रहता है, लेकिन हमें ये पर्सनली नहीं लेना चाहिए। और मैं इंडिया वालों से ख़ास कर ये कहना चाहता हूँ कि ये क्रिकेट है तो उसको पर्सनली कोई भी ऐसी बात नहीं कहनी है आप लोगों ने, कि ताकि बाद में उसके लिए ग्राउंड में आना मुश्किल हो जाए। नहीं नहीं, तंकी तो जायज़ नहीं। जहाँ तक क्रिकेट की बात, ये चीज़ होती रहती है, मतलब कैच हो, मिस होती है, रन आउट, इस तरह चीज़ें होती रहती है, लेकिन इस पर तनकीद करना ही जायज़ नहीं है। मैं नहीं समझता कि इस तरह की चीज़ होनी चाहिए क्रिकेट में। ये क्रिकेट है, इसको क्रिकेट की तरह ही मतलब देखना चाहिए उसको। तनकीद देखें जायज़ तो नहीं बनती। देखें इसमें हमारे फ़खर जमान साहब से भी एक बाउंड्री मिस हुई, ठीक है, फोर लग गया। उसके बाद अगले के लास्ट दो बॉल्स थी, अगर वही 8 स्कोर हमें बच जाते तो आखिरी ओवर से पहले हम मैच जीत जाते, ठीक है। अब दूसरा बॉल पर फ़खर जमान ने भी कैच ड्रॉप किया, अब उसको देखे तो यानी कि उसने बाई चांस छोड़ा है, उसकी कोशिश कैच करने की थी ना कि ड्रॉप करने की थी। हालांकि माशाल्लाह वो हमारा बहुत अच्छा प्लेयर है, हमारा फ़ख्र पाकिस्तान है, तो इसी तरह वो भी एक स्पोर्ट्समैन है। और दूसरा जो हरदीप सिंह, उसने यानी कि कैच ड्रॉप किया है, उसने भी जानबूझ के नहीं किया, वो भी बाई चांस हुआ है, ईजी ले गया है, क्या हुआ, क्या मसला बना है वो अब उसको पता है, लेकिन मेरे ख्याल में वो उसने जानबूझ के नहीं छोड़ा, एज ए सडनली उससे ड्रॉप हो गया है। और इंडिया वालों ने तो बिल्कुल ही उस पर जो तनकीद कर रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। एक स्पोर्ट्समैन है, अगर वो विकेट्स ले सकता है, ड्रॉ आखिरी ओवर उसने भी करवाया था, काफ़ी अच्छा उसने ओवर कराया, आखिरी बॉल तक ले गया, अगर बाई चांस वो जीत जाते तो फिर वो कैच ऐसे समझें कि वो सब कुछ भूल गया था, बाई चांस हार गए तो अब बजारी बात तनकीद तो हर बंदा ही करेगा, लेकिन वो नजायज़ है, जायज़ नहीं। ये पाकिस्तान की टीम के साथ भी हो सकता है, इंडिया की टीम के साथ भी हुआ है, हमारी भी टीम ने जो है ना कैच छोड़े हैं, ड्रॉ किए हैं, हमारी टीम ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, ये जायज़ भी नहीं है, ये तो सरासर ज़्यादती है, ठीक है ना, ये किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल ये बात गलत बात है, क्योंकि वो अभी लड़का नया है और कैच भी उसके पास देखें आसिफ अली का कैच आए, और जाहिर सी बात है जब इस तरह अचानक से इतने बड़े प्लेयर का आपके पास कैच आ रहा है तो ये नॉर्मल सी बात है कि वो बिल्कुल बाल उसके हाथों में लग के ही गिरी है, मगर वो एक प्रेशर में था, और पाकिस्तान भी हो, मैच भी हो पाकिस्तान इंडिया का, तो और ज़्यादा प्रेशर उसमें बिल्ड होता है। नहीं, मेरे नज़दीक तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि गलती इंसान से होती है और सिचुएशन भी ऐसी थी कि काफ़ी प्रेशराइज थे सब, तो इस वजह से हो गया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि खेल है, खेल में कुछ भी हो सकता है, और लास्ट ओवर्स में तो आपको पता है प्रेशर होता है टीम पर काफ़ी, तो वो भी प्रेशर में था बेचारा, उससे हो गया, तो इसको मतलब कोई इतना मतलब सीरियस नहीं लेना चाहिए।